मैं तो भी नहीं ओनू समझ यार, ये नॉनू बोलू क्या, जोर की लगी थी वो थी मेरा सर दर्द जिसके लिए तूने सब कुछ छोड़ा। ओह माय गॉड, इंटेंस वर्कआउट। हेलो स्मार्टी, कहाँ जा रहे तू? हम जा रहे हैं मूवी देखने। कल ही जा रहे? साढ़े तू और वो भी तो है। फुद्दू नाने में तो आप माहिर हैं। और वो तैयार होकर नीचे पहुंच गया। तू तो स्मार्ट लग रहा है भाई। क्या कर रहा है? सही बात है। सही है। तू तो आज क्या हेड आएगा? क्या बात कर रहा है। चलो बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं, एक खाली छुड़वा देंगे। आज तीनों भाइयों का प्लान बना है मूवी देखने का, क्योंकि सोमू और रूपाली तो हमारे साथ है नहीं, बोर हो रहे थे घर पे बैठे बैठे, तो हमने सोचा क्यों ना यार मूवी देख ली जाए। कोई नई मूवी रिलीज हुई है तो वो देखने जा रहे हैं। तो चलो फिर मिलते हैं मूवी खत्म होने के बाद। स्मार्ट शंकर, वो साले ताला ये तो सारा जूते पहन के भी रेडी हो रखा है। तो जूते पहन कर ही जाऊंगा भाई। चप्पल वप्पल नहीं है मेरे पास, फट गया मेरी चप्पल सारी की सारी। अब नहीं है नहीं तो जूते पहनने पड़ेंगे। वो तू मूवी देखने ही जा रहा है ना पक्का? बूट ना बोल, स्लीपर्स कहाँ तेरे? चप्पल फट गई दिखा दूं साला। तुम घर के छोटे बेटे की हालत, इन लोगों को घर के छोटे बेटे की ना हालत नहीं पता, अब नहीं खरीदनी पड़ेगी। वही ले ले यार, ओए ले मेरा कार्ड ले, तू ले यार। ऐसे क्या पड़ता है मूवी देखने? शादी मेरा आज, शादी से ज्यादा अच्छा लग रहा है तू। जूते पहन के क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा हूँ। क्या नल्ला बंदा है यार तू यार की यार। क्यों? FR बोल के डीटी ले जा रहा है। इन्होंने लेट कराया, पहले इन्होंने बोला था कि चार भाई आज तो टाइम है थोड़ा सा, है 2 मिनट है तेरे पास अभी। हाँ मतलब कि आज एड्स पे तो पहुंच जाएंगे हम। एड भी देखनी थी यार। एड तुम देखना यार, मुझे ट्रेलर देखने थे पहले। वही चले, ट्रेलर ही देखने थे हमने। तुम्हें भी ट्रेलर ही देखने थे और क्या? मुझे एड देखनी थी तुम्हें। चलो एड भी देख लेंगे। एड तो वो होती है ना जो वही वाली सुरेश को हुआ दिमाग। जानवी कपूर तो जैकलीन किसमें आती है? मेरा दीवाना। वो उसमें आती है जैकलीन भाई, उसमें मरण है उस बंदे का जिसका सिर्फ कच्चा दिखाया, पर बंदे की शक्ल नहीं दिखाई। वापस लेने से अच्छा आगे से लेता। कहाँ से? आगे से चलता। आगे से वो तू क्या आदमी है, तू कर लेते हैं देख। अब वहाँ से चल पहुँच भी जाते। अब जब मोड़ लिया था तूने, अब मोड़ लेते तो पहुंच भी जाते। मैं तो भी नहीं ओढ़ू समझ यार, ये नॉनू बोलू क्या यार। तुम यार कंफ्यूज ना करो भाई, मेरी बात सुन सीरियस नोट पे। हाँ? भाई 6 बजे का शो है, तो तू गलत क्यों लाया, मेरे को क्यों बोल रहा है? अब सुन, बीती बात बिसार दे, आगे की सुधी होए तो आगे की सुन। 2 मिनट रह गए, ढंग से चला फोकस। वो तो फिर मैं जल्दी पहुंचा देता हूँ ना तुम्हारे। अंदर ले ले वहां से, वरना तू अंदर भी टाइम वेस्ट करेगा। तो हो गया, आगे देखिए बाद में बताते रहो। नहीं बेवकूफ है, पर फिर भी मैं तेरे को निराश नहीं करूंगा। ले फिर, ओ भाई 40 गिना के अंदर ले। ओए ये बताएगा यार मुझे यार। अनु है बेवकूफों का नाना। अभी सोमू रूपाली को भी कॉल करके चिढ़ाएंगे कि आप वहां जा रहे हैं। उन्हें भी कॉल कर देंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे। मैंने बोला तो था कह रहे योद्धा देखनी है, मैंने कहा हम योद्धा देखने जा रहे हैं। अच्छा तूने बोल दिया? नहीं, उसने मुझे बोला कि यार योद्धा मूवी देखनी थी, रिव्यू बहुत अच्छा है। मैं कहा योद्धा मूवी देखने ही जा रहे हैं, मगर टेंशन की बात नहीं है। मैं तो नहीं बताऊंगा भाई, मैंने बताया वो अभी निकल जाएगी मूवी देखने। अच्छा। और उसके घर से तो है भी आधे पौड़े घंटे के दूर पे। सही बात है, बहुत दूर वो निकल जाएगी। कहती ला 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 मैं भी जा रही, अगर ये जा रहा तू योद्धा। हाँ यार इतनी गर्मी क्यों हो रही है? मैंने बहुत हैवी पहन लिया है, लग तो मुझे भी रही है, पसीना आ रहा है एकदम ही। आ गया देख पसीना ही देख। अब ठीक है भाई, अब होली पे खेला जा सकता है। तभी तो इस हिसाब से इसी हिसाब से होती है, क्योंकि थोड़े दिन पहले शिवरात्रि पे जब महाशिवरात्रि थी, मैं सोच रहा था कि कैसे खेलेंगे होली यार, उस समय ठंड इतनी ठंड। अब ठीक है भाई, अब तो पानी के टैंकर डाल दो। अब तो मैं बोल रहा हूँ होली पे ठंडा पानी गिर रहा, बर्फ वाला ऊपर। हाँ थोड़ा बर्फ वाला, फ्रिज वाला, ऐसे चिल्ड वाटर चाहिए। चिल्ड वाटर यस, तभी मजा आ पाएगा भाई। मुझे पीछे बैठा दिया इन्होंने, देख लो। जब मैं कह रहा था कि छाव में, जब कहा उधर को अच्छी आएगी, वो एक तरफ से आ रही है, फ्रंट होती तो पक्का। मोड़ लेना गाड़ी अभी भी जल्दी। रीलर किसी मेरे फ्रेंड ने आपकी रील शेयर कर दी, आप तो वायरल हो गए। मैंने कहा भाई ये छोटी बात है मेरे लिए, मैं रोज वायरल होता हूँ। आधी आ रही है, अब आ दो भाई, जल्दी जल्दी आ दो। मुंडे आगे कर लियो। आप पहुंच गए अपने स्पॉट पे, हमारा भाई लगा रहा हमारी धनों को, और वो चटोरा गया पैटीज लेने। हाँ तेरे में से खा लूंगा, कल से जिम जाऊंगा। तू कसम खा, तूने आज ये नहीं बोला था कि मैं जिम जाऊंगा कल से। कल से जाऊंगा ना? नहीं आज से बोला था, मतलब आज तो मूवी आ गई ना भाई, ऐसे तो चल गया। और ये एक और गर्म नहीं बनी।
और तू तो जिम जा ही रहा है, तू क्यों इसकी कर रहा है रीस? भाई ये हेल्दी नहीं होता, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता सालो। दियो यार। ओ ये साला हाई जंदा गाइस, कभी कभार चलता है, छोटी मोटी बातें हैं ये। भाई धूप बहुत ज्यादा हो रही है, मैं तो चला अंदर, मैकडी का बर्गर खाएंगे अगर टाइम मिला तो। और रुक जाओ भाई, अरे रुक जा, ये जोर की लगी थी। भाई पानी देखिए कहाँ से आ रहे, यहाँ दाबा यहाँ भी छोड़ के यहाँ सबसे जगह से आ रहे। अभी फिलहाल हम मूवी देखकर बाहर आ चुके हैं, मूवी मस्ट वॉच है, ऑसम। कैसी लगी? तूने चलानी गाड़ी? दे दे चला लूँगा। कैसी लगी मूवी? बहुत यार बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी है ना। हमारे को हर मूवी अच्छी लगती है, नो डाउट, हमारे में अच्छी ही बोलते हैं, पर ये सच में अच्छी थी यार, सस्पेंस मार गया मुझे। तो ऐसा हो गया ना, जब से वो आई ना शेरशाह मूवी आई है, अच्छा, तब से ना इसको जो सिद्धार्थ है ना उसको ये पुलिस वाले रोल मिलने लग गए, आर्मी चुन के लेता है अभी अपने, नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं ले रहा। जैसे एक सीरीज आई है रोहित शेट्टी ने, उसमें भी एक साइको पुलिस वाला बनाया है, अब ये भी फिर से योद्धा कमांडो वाली, फिर एक जो शेरशाह आई, तो वो वाला करेक्टर इसको जच गया। पर एक बात है, सस्पेंस भाई एंड तक बना रहा, एंड तक, और वो ऐसे टूटा ऐसे एक झटके में, पर पूरे एंड में था, एंड तक था, पर थी मस्त, मतलब मस्त लगी, ऑसम, मस्ट वॉच है भाई, सबको जाना चाहिए। इस बंदे से भी पूछ ले, बहुत बढ़िया मूवी थी भाई, योद्धा बहुत अच्छी थी, और सिद्धार्थ की वन ऑफ द बेस्ट मूवी लगी मुझे, शेरशाह लगी थी ना, शेरशाह जैसी, शेरशाह से भी अच्छी है इसलिए कहूंगा क्योंकि इसके डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, और स्टोरी लाइन एकदम और ऊपर, और ऊपर से इमोशनल एंगल उसमें ज्यादा था, शेरशाह की रियल बेस थी ना, तो लगा उसमें लव एंगल भी था, ये बहुत अच्छा था। चलो गाइस आ जाओ गाड़ी के अंदर, आ जाओ, तू चला रहा है ना, चलो भाई मजा ही आ गया आज मूवी देख के यार। अब खाना खुना थोड़ा ले चले बाहर से, गाड़ी कैसे चलाऊंगा बाहर से ले चले, नहीं पागल है, नहीं नहीं भाई घर पे ही खाएंगे, मंगता है तो मैं थक गया बाहर का खा खा के भाई, रोज ही खा रहा है तू, अब तो अब बाहर का नहीं भाई, नहीं यार घर का ही खाएंगे, प्यार से चलते हैं घर, और बना दिया जाएगा वैसे, ओए वैसे एक बात तो है, टाइम पे नहीं गए तो अब कटाई होगी, क्यों अभी घर वालों को पता नहीं ना हम कहाँ गए, तभी 7 से पहले 7 तक पहुँच जाओगे। वीडियो भी बन गई, मूवी भी देख ली, और रोनी की रील भी बन गई, रील भी बन गई, रील तो मैं रील बना, और रोनी ने रील बना दी यार, अभी 7 नहीं बजे, मैं आज रील डाल देता हूं, एडिट अभी तो कर ही सकता हूं, शांत रहना, डाल दे, सर दर्द हो जाएगा गाड़ी में करेगा तो, और साले अभी तो डाल दूं मैं तो मना ही नहीं कर रहा, मैं तो तेरे को तेरे तेरे बता रहा हूं, तेरे को तू डाल, मैं हूं रियल लाइफ का, याद रखियो हमेशा से, तू डाल मना ही नहीं कर रहे, पर तेरा सर दर्द तो होगा ही अनिवार्य है, वो तो तुम वो, और मेरा सर दर्द वो थी, कौन वो, अच्छा वो थी मेरा सर दर्द जिसके लिए तूने सब कुछ छोड़ा। ओह माय गॉड यार, वैसे अंकित ने कल से सोच आज से सोची थी जिम जाने की, पर ये गया है नहीं, आज इसने पैटीज खा ली, yes. है ना, तो अभी ये जिम आया है, पहले आज रेट ही पूछ लेते हैं कितना है और कैसा है दिखने में, एम्बियंस कैसा, अच्छा पास जिम है, कैसा है, पास है, नेड़े है, देख लेते हैं कैसा है, तो yes. चलो भाई जिम में चलते चल गए, हाँ तो भाई जिम तो अच्छा लगा हमारे भाई को, और ये बंदा सबसे अच्छी बात यह है कि एम्बियंस अच्छा और रीचेबल है, पास है, जब मन करेगा तो बाहर सकता हूँ क्योंकि टाइम की जरूरत है, या पर ये बंदा इतना एक्साइटेड रहता है हर चीज के लिए, जाना इसने कल से भी नहीं है, फीस दिया है, ब्रेक मैं उस जना रोज जाता हूँ जिम, और ये रोज आता है, पर डिफरेंस है भाई, इसने 3 महीने के लिए, उसे साल के लिए, पता है कि डेडिकेशन लेवल तो दोनों का बराबर ही था पहले भी, वो हफ्ते में एक दिन चले जाता है, ये महीने में एक दिन जाएगा, मतलब 3 महीने की मेंबरशिप लिया तो 3 महीने में 3 दिन तो जाएगा ही जाएगा, नहीं, नहीं। मैं तो और बोलतू मैं भी घर जाकर वापस अभी यहाँ जिम आऊंगा, और सबसे बड़ी बात आज ही से शुरू करूंगा, अच्छा यार अभी मैं वीडियो शूट नहीं करूंगा ऊपर जाकर, थोड़ा सोच रहा हूँ ना जब शुरू हो जाए तब बढ़िया, एक दिन भी थोड़ी सी कल शुरू करूंगा तो कल पहला दिन होगा, क्यों ना आज ही पहला दिन बना दूं, क्या बात, और तू बताओ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है रोनी, ये मेरे पैसे भी लुवाएगा, तू भी चल, मैंने 3 महीने के दिया, बोला डेढ़ बॉडी बनाना गलत बात है क्या, मैं बोलता हूँ डेढ़ महीने से पूछ रहे हो तुम, एक बॉडी बिल्डर से पूछ लो, अभी चल तू भी चल, डेढ़ महीने की कर देता मैं उसको बोल दूंगा, हाँ देखते हैं चलते हैं, चल अभी चल, सही बात है, मेरे को तो सिर्फ 5 दिन की, पांच दिन की बात नहीं है, गाइस अगर मैंने शुरू कर दिया ना, 5 दिन की नहीं बात, अभी क्या 2 महीने बीते में टाइम नहीं लगेगा, और थोड़ी बॉडी बन जाएगी, अच्छी बात है भाई, और वैसे भी आ ही गया यार, और अगले महीने में बीच वगैरह पे भी जाने की सोच रहा हूँ, होली आने वाली है यार, होली कब की है, 3.5 दिन रह गए,
तीन दिन में तो उड़ा ही लूंगा, पंप तो हो जाएगी बॉडी मेरी, थोड़ा तो हो जाएगी। तीन दिन के अंदर गाइस होली पे सैंडो में घूमना तो है ही है, पंप हो जाती है और सैंडो में घूमने के लिए बॉडी अपने बर्थडे का टारगेट। तू तो लीन हो जियो, तीन दिन में तू लीन तो हो जाएगा। बर्थडे का टारगेट ले लेना, बर्थडे का। हाँ 7 तारीख को क्या पता तुम कहीं जाओ घूमने फिरने। सही बात है। ओए तो गाड़ी चले 7 तारीख को। 7 तारीख को ना मेरे पास एक और आइडिया भी है, मेरे बर्थडे पे चलेंगे तब तक बॉडी बन जाएगी। पहले गाड़ी पार्क कर लेते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं मेरे बर्थडे पे जाना कहाँ है। भाई मेरी स्लीपर्स कहाँ है? गाड़ी के अंदर भी घूम सकती है क्या? देखिए गाइस मिल गई। चलो अंकित आ जाओ तू, हम जा रहे। जस्ट घर पहुंचे हैं पर ये बंदा सांस नहीं लेने देगा। माँ जिम लग गया और मुझे भी खींच के ले जा रहा है। तू भी चल रहा है? तुम अभी ये बताओ फिलहाल पहले कहाँ गए थे? हम जिम देखने, वीडियो बनाने। एक दो जिम का पता करने गए थे। रोनी कहाँ है? रोनी भी हमारे साथ ही था, वीडियो बनाने गए थे एक, तभी तो इतनी जल्दी आ गए। अंकित ने मुझे तैयार तो करवा ही लिया, जिम ज्वाइन करवा दिया ना चाहते हुए भी। तो ओके गाइस मिलते हैं जिम में। एक तो इसे पता लग गया कि मैं जा रहा हूँ, अभी हटेगा नहीं ना। चुप 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 बाय। ले भाई अंकित तो कर रहा है इंटेंस वर्कआउट, पता नहीं किसकी छत में कर रहा हूँ। तू तो आज बॉडी बना के हटेगा भाई। थाई में भी पेन हो रहा भाई। अब जब रात को नींद नहीं आएगी ना तब पता लगेगा शरीर टूट गया। टूटेगा ही, कौन करता है एकदम से इतनी। हफ्ते भर ना बड़े प्यार से करनी चाहिए। व्यू देखो सामने पे पहाड़ है ना, ये चीज मुझे अच्छी लगी। यहाँ टेरिस पे बंदा ना थोड़ा अंदर सफोकेशन वगैरह हो तो ऊपर आ सकता है। ऊपर आने के बाद थोड़ा सा टहल लिया, व्यू देख लिया और थोड़ा सा ठीक है यार। मैं भी बड़े दिन से सोच रहा था ज्वाइन करूं, टाइम नहीं लग रहा था यार, काम काफ़ी है मतलब। यस बट आज फाइनली हमने दृढ़ निश्चय किया और अंकित को मैं ज़बरदस्ती पकड़ के ले आया। अरे पता है क्या, पहला दिन मुश्किल होता है कि स्टार्ट नहीं हो पाता इंसान का काम, तो स्टार्ट तो ना बस कर दो, आँख मूंदो और कर दो। जैसे आज स्टार्ट हो गया बस इसका मतलब हो गया। अब एक एक दो दिन में भी आएंगे तो हमने स्टार्ट कर लिया भाई, कल पे नहीं टली बात। बिल्कुल, बस थोड़ा बॉडी पंप ही करनी है, बैक टू नॉर्मल हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे भी मैं बहुत वीक सा लग रहा था, वीक तो क्या ही बोलूं, मतलब पतला हो गया था। पहले ठीक ठाक थोड़ी बल्की थी। उल्टी आ रही है इस बंदे को। मैंने पानी भी पी लिया, वर्कआउट भी। चल टहलते हुए घर चलते हैं, चल है ना? ये टायर सा उठा जो पीछे पड़ा हुआ है, उसको हिला भी नहीं पा रहा हूं, इसलिए उसके ऊपर बैठ गया। तो चलो गाइस थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं जो बचा हुआ है पेंडिंग।